तो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। देख सकते हैं गाइस, अब हम जा रहे हैं यहाँ से छठ घाट। और आप सभी को जो भी बिहार और उत्तर प्रदेश के, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ हमारा पार्क बीच में पड़ता है, तो हम पार्क के रास्ते से हम जाएंगे, फिर हम आपको रोड पर दिखाते हैं। तब तक आप हमारे इस ब्लॉग में बने रहें, और जो भी न्यू है इस ब्लॉग पर और चैनल पे हमारे, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपके मोटिवेशन से ही हम आपसे और ज़्यादा अच्छे वीडियो कंटेंट बनाएंगे। तो गाइस अब हम यहाँ से रोड पे आ गए हैं, अब यहाँ से हम रोड से हम वॉकिंग करेंगे। और हमारे पैर में भाई साहब बहुत चुभ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम नंगे पैर आए, देख सकते हैं आप। और यहाँ से अभी बस 10-15 मिनट के यहाँ से रास्ता है। यहाँ से हम तीन जा रहे थे, मेरी कज़न सिस्टर है और मेरा भाई है, देख सकते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे, देन उसके बाद यहाँ से हम आपको दिखाएंगे। आप सब्सक्राइब तब तक कर दें जो भी न्यू है इस पर। और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आएगा आपको, अभी दिखाएंगे। जो भी घाट नहीं देखे होंगे और बाहर जो भी दूसरे स्टेट के हैं, वो आप सब देख सकते हैं कि कैसे हमारे कल्चर में छठ पूजा मनाया जाता है। और आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा ये रिचुअल हमारा जो हम मनाते हैं। और जो भी जानते होंगे अब प्लीज़ कमेंट करके बताएं कौन सी स्टेट से है जो ये फेस्टिवल है। ये इसमें बहुत घंटे तक, 36 घंटे तक यहाँ पे हमें भूखा रहना पड़ता है जो व्रत करते हैं। और जो भी रहते हैं पानी में खड़े, उनको बहुत तपस्या करनी पड़ती है, इसमें खड़े रहना पड़ता है पानी में। और ये जो दो दिन होता है, एक होता है शाम के समय और एक होता है सूर्य उदय जब होता है तब अर्घ दिया जाता है इसमें, देख सकते हैं गाइस। अब हम बस पहुंचने वाले हैं कुछ ही मिनटों में, तब तक आप हमारे इस ब्लॉग में बने रहें एंड तक, फिर आपको अभी और अच्छे से मज़ा आएगा ये पूरा एंड तक वीडियो देखें, जिससे आपको पूरा वीडियो की जानकारी मिल सके कि हमारे रिचुअल में कैसे कैसे त्यौहार मनते हैं, किस स्टेट में कैसा होता है। देख सकते हैं गाइस, अब हम पहुँचने वाले हैं। जो ये हम घाट पे जा रहे हैं वो पीली कोटी हरिनगर में मनाया जाएगा। और यहाँ पे दो घाट है जो पास में है, एक आगे है देन उसके बाद है, ये देख सकते हैं। यहाँ से सीधे हमें जाना है, देख सकते हैं गाइस, ये पहला ये घाट है जो कि यहाँ मनाया जा रहा है, देख सकते हैं पूरी सजावट। और बट इसके लिए हम आगे दूसरा वाला दिखाएंगे, दूसरे वाले जहाँ पे हम गए वहाँ पे राजकुमारी ढिल्लो भी आई है जो यहाँ की वार्ड मेंबर है। आपको यहाँ पे पूरा दिखाएंगे, आप पूरा एंड तक वीडियो देखें। और हम पूरा दिखाएंगे कि हमारे फेस्ट में, देख सकते हैं गाइस अब हम पहुँच चुके हैं दूसरे घाट पे। अब हम यहाँ से एंट्री लेंगे देन आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर पुलिसकर्मी भी आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर पूरी है कि कोई दंगा फसाद ना हो और कुछ ना हो, देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं, देख सकते हैं गाइस हमने एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ पे पूरी सजावट देख सकते हैं आप, और क्या मस्त भाई व्यू आ रही है यहाँ पे। आप कभी जब आपको छठ पूजा में आने का अवसर मिले, देखना आप कैसी कितनी अच्छी वाइब आती है यहाँ पे, सुकून सा मिलता है। आप एक बार आएंगे जो भी अदर स्टेट के होंगे तो बताएं। तो गाइस देख सकते हैं हमारी एंट्री ले चुके हैं घाट पर, और देख सकते हैं यहाँ पे सभी पानी में खड़े हो गए हैं, और यहाँ पे सूर्य देव डूबते हुए अर्घ देंगे अभी, फिर आपको हम सुबह दिखाएंगे। सुबह हम करीब 3 बजे उठे हैं, आपको पूरा इस वीडियो में दिखाएंगे, तब तक आप हमारे इस वीडियो में बने रहें।
तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा निर्जला है अभी सब, और वो भी 3 दिन पहले ही रहना पड़ता है, 3-4 दिन पहले निर्जला उपवास। ये बहुत ही कठिन होता है त्यौहार जो मनाया जाता है बिहार और यूपी के कल्चर में। तो गाइस आपको यहाँ पे सॉन्ग भी सुनाई देता होगा, छठ पूजा का यहाँ पे लगा है और ये दिल्ली में हो रहा है। सोच रहे हो अब ये यहाँ पे बिहार और यूपी में नहीं, बाकी स्टेटों में भी घाट बना के किया जाता है और हम दिल्ली में अभी। तो आपको पता है यहाँ पे भी बनाया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ की सजावट भी। और ये पूरा हेमंत जी की तरफ से आप सबको छठी मैया के इस पर्व की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम पहले भी यहाँ राजकुमारी ढिल्लो और बाकी जो भी है वार्ड मेंबर यहाँ पे आए हैं। तो देख सकते हैं हमने अर्घ देखे, अब हम जा रहे हैं घर। देन आपको अब हम सूर्य, जब सूर्य अर्घ देने का समय आएगा 3 बजे, अब हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे अभी कल वाले पेट्रोल भी दे रहे हैं, देख ये पेट्रोल पंप वाले भैया पेट्रोल भी डाल रहे हैं आज छठ पूजा के लिए मुफ्त में। डलवा सकते हैं आप डलवा ना सारा भैया। देख सकते हैं अभी हम बम फोड़ेंगे फिर आपको दिखाते हैं। कैसा जमाना आ गया है भाई, बहन को नहीं छोड़ता, बहन भाई को नहीं छोड़ रहा है। देख सकते हैं अब हमें सीधा यहाँ से जाना है, देन हम पहुँच जाएंगे छठ घाट पे। दिख रहा होगा आपको बहुत सब ले जा रहे हैं यहाँ पे सूप वगैरह दाल जिसे कहते हैं। देख सकते हैं गाइस अब हम बस पहुंचने वाले हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे है बस, फिर आपको दिखाते हैं हम यहाँ घाट का व्यू। गाइस दिल्ली का छठ घाट का व्यू देख लीजिए। ये
तो यहाँ से ले लेना दुकान। दो है, दो है? हाँ ये हो रहा जहाँ लाइट जल दादी लग रहे हैं भाई यार। अभी देखना है ना अंदर का नजारा। खाली खाली वाह बांटेंगे जब सूर्य अर्घ हो जाएगा देन उसके बाद यहाँ पे बांटा जाएगा। देख सकते हैं अभी बहुत अभी भीड़ नहीं है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है क्योंकि हम पहले आ गए थे। देख सकते हैं गाइस अब हम यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, आप देख ही सकते होंगे। और नाइट व्यू में देख सकते हैं यहाँ का घाट कैसा लग रहा है आपको, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है और यहाँ का कितनी अच्छी वाइब्स आ रही है। फिर मैं आऊंगा।
तो गाइस देख सकते हैं ये सुबह हो गया है, अब देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम सूर्य अर्घ देंगे, देन आपको हम दिखाते हैं। और गाइस यहाँ पे सूर्य अर्घ जो दिया जाता है सुबह दूर से दिया जाता है, और जो शाम का अर्घ था जो आपको हमने पहले दिखाया है उसमें गंगा जल से अर्घ दिया जाता है। देख सकते हैं गाइस अब भीड़ कितनी हो गई है अर्घ देने के लिए, और यहाँ पे भी देखना बच्चों की लाइन भी लगी होगी यहाँ। देख सकते हैं गाइस अब हम पानी में आ गए हैं, अब हम भी अर्घ देंगे, आप देख ही सकते हैं। और देन उसके बाद सब देखना भी बच्चे टूट पड़ेंगे, वहाँ खीर बट रहा है और बाकी बहुत चीज़ बट रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं अब हम।